नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश सैनी और आप देख रहे हैं अपना चैनल राजेश जॉन। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको कंप्लीट राजस्थान की यात्रा करा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जो 12 जिला है उसके अंदर जो रामगढ़ है वहीं पे मैं आपको जो मिनी पुष्कर है उस जगह लेके आया हूँ। और यहाँ के जगह ये रामगढ़ के बारे में आपको अच्छी सी बातें बताऊंगा या रामगढ़ के बारे में बताऊंगा। यहाँ आपने मेरा लास्ट वाला जो वीडियो नहीं देखा जो मिनी खुजराहोल का, तो वो आप जाके देख लेना लास्ट वाला वीडियो। वो तो चलते हैं यहाँ मिनी पुष्कर को देखते हैं और यहाँ रामगढ़ के बारे में यहाँ जानते पे हैं। सामने आप देखोगे तो ये केलपुरी महाराज की समाधि दे है, और उन्होंने यहाँ पे जिंदी जिंदा समाधि ली थी। और यहाँ से लगभग लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे उनका एक स्थान भी है, वहाँ पे वो समाधि लेने के बाद में लोगों को जिंदा दिखे थे। तो ये उन्हीं की समाधि स्थल है। और ये जो मैं बता रहा था आपको ब्रह्म सरोवर, मिनी ब्रह्म सरोवर वो है। दोस्तों आप इस सरोवर में देखोगे ना तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत नज़ारा नजर आ रहा है। यानी कि सरोवर है लेकिन आपको लग रहा है कि कोई ये जो अपने हरियाली की चादर बिछी हुई है, इतना सुंदर लग रहा है। और इसमें जो कमल गट्टे के फूल नजर आ रहे हैं आपको, ये बहुत सारे कमल गट्टे के फूल हैं इसमें, और बहुत ही अद्भुत और अनोखा दृश्य दे आप देख रहे हो इस सरोवर से। और यहाँ पे लगभग लगभग 3 सरोवर है, 3 सरोवरों में से ये सबसे सुंदर और सबसे भव्य सरोवर है। यहाँ पे 2 से 3 घाट बने हुए हैं और ये पूरा जो जो उड़ता पिंड गिरा था उसी के क्षेत्र में आता है। तो आपको यहाँ के बारे में भी मैं आगे चल के बताऊंगा कि आप सामने देखोगे ना तो वहाँ पे एक घाट बना हुआ है, एक इधर है, एक और एक पे मैं जिसपे मैं अभी खड़ा दोस्तों हूँ। सुबह तो से मैं स्नान नहीं किया आज, तो मैंने सोचा कि घाट पे ही चल के ना स्नान करते हैं। तो मैं घाट भी मिल गया तो यहाँ पे स्नान करते हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी मछलियाँ भी हैं। इस जगह पे आपको छोटी छोटी बहुत सारी मछलियाँ देखने को मिलेगी। ये देखो आपको नज़र आ रही है तो कैमरे के अंदर, ये बहुत सारी मछलियाँ हैं यहाँ पे। तो चलते हैं स्नान करते हैं। दोस्तों ठंडा पानी है, कोई ना, नहा लेंगे, स्नान कर लेंगे। और ये प्रकृति के जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनमें से निकल के पानी आया हुआ है, और बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अच्छा पानी है। आप इसमें कोई भी बीमारी नहीं होती। आप ये सोचो कि इसमें कैसे नहाए, तो कोई भी बीमारी नहीं होती कि क्योंकि प्रकृति से जितनी जीव जड़ी बूटियां पेड़ों के जड़ों से निकल के पानी आता है। तो इसमें बहुत सारे तत्व है इस पानी के अंदर, तो ये अपनी जो शरीर होता है उसके लिए भी अच्छा पानी माना जाता है। तो इसी वजह से ये सोच के मैं इसी सरोवर में स्नान कर रहा हूँ। और ये ब्रह्म सरोवर भी, यानी मिनी ब्रह्म सरोवर है, यानी जो पुष्कर में जो सरोवर है उससे छोटा सरोवर है। और आप यहाँ ब्रह्मा जी के जो कमल के पेड़ है वो भी बहुत ही मात्रा में देख सकते हो। यहाँ पे कमल के पेड़ ही पेड़ नजर आए। तो स्नान करते हैं। सामने देखोगे ना एक तो जो गोहिरा होता है ना वो है, और उससे संघर्ष कर रहा है एक तोता। ये देखो ये सामने, ये रहा, ये रहा, दिख रहा ना, इसको यहाँ पे गोहिरा बोलते हैं। और ये बड़ा, बहुत ही बड़ा रहता है। वो देख वो बगा, वो देख वो बगा, वो बगा, वो बगा, वो बगा, वो बगा, वो छिड़ गया पे। दोस्तों में जो मैं कैलवाड़ा है उसकी तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ से लगभग ये NH 27 है, नेशनल हाईवे 27। तो यहाँ से लगभग लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ चलेंगे और आपको कैलवाड़ा दिखाऊंगा। तो ये आप मेरे साथ कंप्लीट राजस्थान की यात्रा करो। आई होप आपको मेरे जो लास्ट वाले वीडियो रामगढ़ के पसंद आए होंगे। तो जिन दोस्तों ने नहीं देखे तो वो जाके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ पर देखोगे ना आप कुछ इस तरह से, ये 49 हाईवे है और लगभग लगभग मेरे को 5 मिनट हो गए यहाँ पे बैठे हुए, इसका इंतज़ार कर रहा हूँ।
कोई बस आता है जो ठीक है, नहीं तो अपन किसी से लिफ्ट लेके चलेंगे। तो लिफ्ट लेना तो थोड़ा मुश्किल है इस जगह पर, लेकिन कोई ना चलते हैं, इंतज़ार करते हैं।